हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्पॉट एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, यानी 2021 में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या स्पॉट किन किन कोर्सेज में हो सकता है और कैसे कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्पॉट एडमिशन होता क्या है, पहले ये यार समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब सपोज करिए कोई भी एक कोर्स लेते हैं, हम लोग अभी मान के चलते हैं कि बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने एंट्रेंस दिया है बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सपोज करते हैं कि यार इसका लास्ट कट ऑफ ना 57 मार्क्स का था, ठीक है। हम लोग एक सपोज करते हैं, एज्यूम डेटा है, ऐसा कुछ हम लोग लिटरली नहीं ले रहे हैं, आपको बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सपोज करिए लास्ट कट ऑफ जो भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिस्ट में 57 गया, उससे कम वाले का एडमिशन नहीं हो पाया। सपोज करिए आपके मार्क्स 55 हैं या फिर 54 हो सकते हैं, 53, 52, जो भी 56 है, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इन दैट केस यार आप क्या करते हैं, स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। स्पॉट अगर आया है तो, अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन आया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार स्पॉट होगा ही और आपको स्पॉट के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं कि कब स्पॉट होगा कब नहीं होगा। देखिए होता क्या है ना, अब हम लोग समझते हैं कि स्पॉट आखिर होता क्यों है। ये सवाल बहुत लोगों का है कि स्पॉट क्यों होता है, स्पॉट के थ्रू क्यों एडमिशन होता है जब एंट्रेंस के थ्रू सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए अगर जो भी कोर्स होता है ना, हम लोग अभी जैसे बात कर रहे थे कि बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री की कोर्स की बात कर रहे थे, इसमें यार एक नंबर ऑफ सीट होती है, जितनी भी सीट होती है, ठीक है। सपोज करते हैं कि 50 सीट है और यार फिफ्थ लिस्ट तक आ गई या फिर फोर्थ थर्ड लिस्ट आ गई और बच्चों का, अभी सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। अगर 50 सीट है तो उसमें से आपको ऐसा कर लिए कि 40 सीट्स तो भर गए लेकिन 5-10 सीट रह गई या फिर 2-3 सीट रह गई और बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एडमिशन नहीं ले रहे इन द सेंस कि भाई 4-5 लिस्ट आ गई फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, दैट मीन्स हमें पता नहीं चल रहा कौन बच्चे इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। सपोज करिए अगर नेक्स्ट लिस्ट निकालती है सेलेक्टेड, फिफ्थ के बाद अगर सिक्स लिस्ट निकालती है और यार उसमें भी अगर जिन बच्चों का नाम आया वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे यूनिवर्सिटी तो भाई पूरे साल लिस्ट ही निकालते रह जाएगी। तो उससे बचने के लिए, बार बार लिस्ट निकालने से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्पॉट का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं जिसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो एडमिशन लेंगे। एलिजिबिलिटी मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, दो तरह के स्पॉट होते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये तो भाई बात होगी स्पॉट किस कंडीशन में होता है, जब नंबर ऑफ सीट्स खाली रह जाता है, नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रह जाता है तो फिर स्पॉट होता है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको और आप जाकर के फिर सेलेक्ट होते हैं। अभी मैंने बता दिया स्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई सीट खाली रह जाती है, बार बार लिस्ट आने के बाद भी खाली रह जाती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, यूनिवर्सिटी क्या करती है कि भाई स्पॉट निकालते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग अप्लाई करेंगे और उनका फिर उनमें से फिर सिलेक्शन होगा। आपको जितने लोग अप्लाई करते हैं स्पॉट के लिए, अप्लाई के लिए कुछ पैसे नहीं लगता है, आप सिंपली जाकर के आपको वेबसाइट में ही जाकर के जहाँ पे आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं या फिर आप जहाँ पे ये कह सकते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं वहीं पे जाकर के स्पॉट का वो रहता है, एक कॉलम मिल जाएगा आपको, एक अलग विंडो रह जाएगा कि अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन, ठीक है। आप वहाँ जाकर के अप्लाई करते हैं तो आप यार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्पॉट का आपको। अब हम लोग जानते हैं कि स्पॉट होता कितने तरह से है, एडमिशन कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे अब सारी बातें जानेंगे, एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होती है स्पॉट की, कट ऑफ क्या होता है, एडमिशन कब होता है, ये सब बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्पॉट के लिए। देखिए एडमिशन कैसे होता है, तो अभी मैंने आपको बताया जब कोई सीट वैकेंट होती है तो आप अप्लाई करते हो, फिर उन लोगों में आपका क्या होता है भाई, आपका उन लोगों में कंपटीशन होता है, उनके हिसाब से जितने लोगों ने स्पॉट के लिए अप्लाई किया अलग से, उसमें से जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली बात है उनका एडमिशन हो जाता है। तो एक तो ये इस तरह का स्पॉट हो गया। इसमें होता क्या यार, एक तरह का जो मैंने बताया ना, इसमें होता क्या, जिस कोर्स में आप अप्लाई किए हो, जिस कोर्स का आप एंट्रेंस दिए हो, उसी कोर्स में स्पॉट होता है। अब यार दूसरे तरह के स्पॉट की बात करते हैं, एक दूसरे तरह का आप ध्यान देना जो लास्ट ईयर हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें है क्या यार कि कुछ कोर्सेज हैं, सपोज करिए एक कोर्स हमारे पास है, इसमें ज़्यादा सीट वैकेंट रहता है इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। कोर्स है, हम लोग मान के चलते हैं कि ये भी हम लोग बीवॉक की बात करते हैं, बीवॉक सोलर एनर्जी, ठीक है। बीवॉक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वो अलग चीज़ है, बीवॉक हम लोग सोलर एनर्जी की बात करते हैं। न्यू कोर्स है फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, ये कोर्स है। इसमें होता है क्या यार, सीट्स खाली रह जाती है, सीट्स वैकेंट रह जाती है, तो इसमें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करते हैं कि जो बच्चे किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दिए हो। देखिए बीवॉक का मतलब है कि बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज इन सोलर एनर्जी, तो ये बैचलर कोर्स है। कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स में, किसी भी बैचलर कोर्स का, चाहे तो वो लैंग्वेज में हो सकता है, वो आपका बीबीए बीकॉम हो सकता है या फिर वो आप कह रहे हैं कि आर्ट्स का बीए हो सकता है या फिर बीएससी, किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दिया हो और वो बीवॉक के लिए एलिजिबल हो। बीवॉक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सी बात है यार कि फिजिक्स मैथ्स आपके पास होना चाहिए और मतलब कि प्लस टू में साइंस अगर आपका है तो आप बीवॉक के लिए एलिजिबल होते हो। तो क्या करते हैं कि अगर आप बीवॉक के लिए एलिजिबल हो और किसी भी कोर्स का आप
एंट्रेंस दिए हो और आपका सिलेक्शन अगर उधर नहीं हुआ है या फिर हुआ भी उधर, अगर आपको यहाँ आना है तो आप बीवॉक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक अलग तरह का लास्ट ईयर आया था, ठीक है। और मैं ये भी बताता चलूँ, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया कि जिस कोर्स के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हो उसी कोर्स में कुछ सीट अगर वैकेंट रह जाता है तो आपको स्पॉट के लिए एडमिशन स्पॉट का आता है और वो करके आप एडमिशन ले सकते हो। ये लास्ट ईयर नहीं आया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 2020 की या फिर सेशन 2020-21 की, तो उसमें यार नहीं आया था ये वाला स्पॉट। हाँ, ये वाला आया था जो मैंने बीवॉक का बताया कि आप किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस दिए हो और आप बीवॉक के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप स्पॉट में एडमिशन स्पॉट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो स्पॉट के लिए एडमिशन इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो एडमिशन कैसे होता है ये आपको क्लियर है होप। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी अब भी है तो आप पूछ लेना यार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। बीवॉक के केस में क्या होता था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अगर बीवॉक के लिए एलिजिबल हो और किसी भी एंट्रेंस में आप बैठे हो जामिया में सेम लेवल का, यानी कि ग्रेजुएट अगर कोर्स है तो ग्रेजुएट लेवल के कोई भी एंट्रेंस में आप बैठे हो बैचलर लेवल के, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये हुई एलिजिबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं फीस की। फीस उतनी ही होती है जितना नॉर्मली बच्चों का लगता है। जो बच्चे एंट्रेंस के थ्रू आते हैं और जो बच्चे स्पॉट के थ्रू आते हैं, इसमें फीस का कोई डिफरेंस नहीं होता है, फीस आपको सेम होती है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ काफ़ी कम होगी क्योंकि वो सेलेक्टेड जो बच्चे होते हैं, सेलेक्टेड यानी एंट्रेंस के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है उससे यार इसकी कट ऑफ कम होती है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली बीवॉक की, जो लास्ट ईयर जो हुआ था, तो यार उसमें तो बहुत कम कट ऑफ गया था, मतलब काफ़ी कम कट ऑफ गया था। जो बच्चे दूर दूर तक नहीं आ रहे थे और अपने कोर्सेज में, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। एडमिशन कैसे होता है ये भी यार यहीं पे कवर हो गया। एडमिशन कैसे होता है मैंने बता दिया, दो तरह का स्पॉट है। जब भी स्पॉट आएगा, अगर इस बार, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। आप चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। और आप यार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वे टू हील है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी अपडेट होता है, सबसे पहले लिस्ट में वहीं अपलोड करता हूँ, फिर जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यार स्पॉट के लिए आप बिल्कुल थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहना अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। यार सबके लिए प्रे करता हूँ कि आपका एडमिशन हो जाए, अच्छे से आप खुश रहो। लेकिन अगर इन केस आपका एडमिशन नहीं होता तो स्पॉट के टाइम भी आपके चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को है कि भाई जामिया का टैग लेना है, यूनिवर्सिटी का टैग लेना है, और अगर कोर्सेज पसंद भी है आपको, बीवॉक अगर पसंद है, और भी कोर्सेज हैं, कई कोर्सेज हैं जिसमें स्पॉट हो सकता है, तो यार आप ज़रूर लेना। और बीवॉक में तो इस बार पक्का होगा, ये इस बार भी होगा, अब भी सीट्स खाली हैं, ठीक है, तो इसका स्पॉट होना है। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहना यार, वीडियोस देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लोगों तक भी शेयर करो, ताकि यार उनको भी फ़ायदा मिले, उनको भी चीज़ें समझ आए और लोगों तक पहुंचता रहे नॉलेज, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।